दोस्तों YouTube में आपने जितना भी वीडियो देखा, सभी वीडियो में जो डाटा बताते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, सारे के सारे उल्टा बताते हैं। मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको, 100% आप खुद प्रूव कर सकते हो। मैं बता दूंगा कैसे आपको पता लगाना है। दोस्तों मैं एक ऐसा डाटा बताने वाला हूँ जो आपका फैन का जो स्पीड है, जो ओरिजिनल फैन जो आते हैं मार्केट से, जैसे कि तूफान का स्पीड बहुत अच्छा है। आजकल कोई भी फैन आता है दोस्तों, उसका नया फैन में स्पीड अच्छा रहता है, लेकिन बजाज और जो सब है इस सब में स्पीड अच्छा नहीं रहता है। तो सेम उसी तरह स्पीड होगा रिवाइंडिंग करने के बाद। बहुत लोगों का कहना है कि जो ओरिजिनल पंखा है वो जल जाते हैं, उसके बाद रिवाइंडिंग करते हैं तो उसका स्पीड कम हो जाता है। हाँ दोस्तों, कम होता है, उसका रीजन है। लेकिन मैं जो डाटा बताऊंगा आपको दोस्तों, हमें उल्टा बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सीधा सीधा बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि कोई यूट्यूब में वीडियो देख कर कॉइल बंद के पैसा कमाए, हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहाँ हम हैं, कहाँ आप लोग हैं पता नहीं। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको कि स्पीड कैसे बढ़ाना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या उल्टा करके बताते हैं ये तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बारे में उल्टा बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, आप जानते हो, आप अगर फैन रिवाइंडिंग करते हो तो अंदर वाला जो कॉइल होते हैं ये स्टार्टिंग कॉइल होते हैं, ठीक है, और बाहर वाला जो कॉइल होते हैं ये रनिंग कॉइल होते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल जो होते हैं ये सिर्फ स्टार्ट करते हैं फ़ैन को, और रनिंग कॉइल जो है इसमें लोड रहता है, ये घूमते रहता है, इसी कॉइल में घुमाते हैं फ़ैन को, ठीक है। लेकिन क्या उल्टा बताते हैं, मैं पहले एक नंबर उल्टा बता देते हैं आपको कि YouTube में क्या उल्टा बताते हैं। जो स्टार्टिंग कॉइल है इसमें जो टर्न्स होते हैं यहाँ पर कम देते हैं YouTube में, सारे वीडियो मैंने देखा, और स्टेप लेयर का भी वीडियो मैंने देखा, सारे चीज़ उल्टा करके बताते हैं, जो आप कभी पैसा कमा ही नहीं सकते, आपको कोई लाभ ही नहीं होगा, आपको लॉस हो जाएगा आप स्टेप लेयर अगर YouTube वीडियो देख कर बनाओगे तो। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ का जो है स्टार्टिंग कॉइल, तो यूट्यूब में सारे वीडियो में बोलते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा टर्न्स देना है, और यहाँ पर कम टर्न्स देना है। स्टार्टिंग में वो लोग कम टर्न्स देते हैं और रनिंग में ही ज़्यादा टर्न्स देते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों, ये उल्टा करके बताते हैं, एकदम बकवास है। आप खुद ओरिजिनल फैन जब भी आएगा आपको, जब नया फैन का कॉइल जला हुआ आएगा, तो आप गिन लेना और मेरी बात आप याद रखना, मिला लेना आप कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या YouTube में सारे वीडियो जो मैं जो बोलते हैं वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों कोई भी फैन, आप नया फैन, आप जब कॉइल जल जाएगा आप काट के गिन लेना। अंदर वाला जो कॉइल होते हैं दोस्तों, इसका जो टर्न्स होते हैं स्टार्टिंग कॉइल का, इसका ज़्यादा होता है, और जो रनिंग कॉइल होते हैं दोस्तों इसका कम होते हैं। हाँ दोस्तों, यही ओरिजिनल है जो कंपनी से आते हैं, वही ना ओरिजिनल होगा दोस्तों, ना YouTube में बताएगा वो ओरिजिनल हो जाएगा। जो कंपनी से है उसका फैन तो स्पीड में घूमता है, लेकिन आप जब उसे काट देते हो और फिर से रिवाइंडिंग करते हो तो आपका जो फैन है, आपका फैन स्पीड में नहीं घूमता है। तब मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ दोस्तों कि इसका डेटा क्या है, ओरिजिनल डेटा क्या है। मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने पाँच फैन को काट के मैंने गिना हूँ, और उसी डेटा से मैंने कॉइल बना रहा हूँ, और उसका स्पीड जो है एकदम सेम टू सेम रहता है, थोड़ा सा भी स्पीड कम नहीं होता दोस्तों। मैंने तो कई फैन ऐसा स्पीड जो कंपनी का फ़ैन आता है टेबल फैन, उससे भी स्पीड मैंने बढ़ा दिया। तो आज मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि इसका ओरिजिनल डेटा क्या है। तो अंदर वाला जो है दोस्तों, इसका जो SWG में बाद में बताऊँगा, मैं पहले आपको टर्न्स बता देता हूँ कि कितना टर्न्स देना है, ठीक है। तो अंदर वाला जो स्टार्टिंग कॉइल होते हैं इसका टर्न्स आपको 380 टर्न्स देना है, 380 टर्न, ठीक है दोस्तों, आपको 380 टर्न्स देना है। यह 14 स्लॉट का फैन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, ये 14 स्लॉट है, ये जो खांचे है जैसे कि आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, ये सारे खांचे 14 है, और बाहर में भी 14 है, मतलब टोटल 28 स्लॉट है दोस्तों इसमें। तो अंदर में आपको 380, आप 370 भी दे सकते हो, 10 टर्न्स में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं तो 370 देता हूँ, लेकिन कंपनी से 380 रहता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं कम देता हूँ क्योंकि यहाँ कंपटीशन चल रहा है। और बाहर वाला जो कॉइल है दोस्तों, जो रनिंग कॉइल, यहाँ पर आपको 340 टर्न्स देना है, ठीक है दोस्तों, 340 टर्न्स, 340 टर्न्स देना है आपको बाहर वाला। मैं 330 टर्न देता हूँ, आप 10 टर्न्स कम भी दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये चलने वाला है, ये 250 वोल्टेज में जलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ओरिजिनल डेटा आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और स्पीड कम नहीं होने वाला है, स्पीड एकदम सेम टू सेम होने वाला है।
आप सोचिएगा कि ये साइज़ क्यों नहीं बता रहा है, जो स्टेटस का साइज़ है, तो मैं वो भी बता दूंगा दोस्तों। देखिए ये मीडियम साइज़ है, और इसमें देखिए दोस्तों ये सबसे पतला साइज़ है, और ये वाला आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों ये मोटा साइज़ है। ठीक है दोस्तों, आपको टन्स कुछ भी कम नहीं करना है, आपको 380 टन्स आपको अंदर देना है स्टार्टिंग में, और रनिंग में आपको 340 टन्स ही देना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नंबर में आपको कॉयल रिवाइंडिंग करना है, इसका SWG बताएंगे हम। ठीक है, तो आपके पास अगर पतला स्टेटस आता है दोस्तों, तो आप 36 नंबर से अंदर वाला बाहर वाला दोनों बांध सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग रनिंग। ठीक है, अगर मीडियम स्टेटस आता है तो भी आप 36 नंबर में स्टार्टिंग रनिंग दोनों बांध सकते हो। अगर आप थोड़ा सा कंपनी जैसा करना चाहते हो तो अंदर वाला आप 36 SWG यूज कीजिए, और बाहर वाला आप 35 SWG यूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मोटा स्टेटस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, आपको टन्स उतना ही रखना है जितना मैंने बोला, लेकिन इसमें मैं आपको इसका जो SWG है मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपको टन्स उतना ही रखना है, ठीक है, आपको सिर्फ SWG आप चेंज कर सकते हो। आप मोटा स्टेटस अगर आता है, इससे ज़्यादा भी मोटा स्टेटस आता है, तो आप 35 SWG से आप रिवाइंडिंग करें। ठीक है, अगर सेम टू सेम थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा स्टेटस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप अंदर वाला जो है, आप अंदर वाला आप 36 नंबर से कीजिए, और बाहर वाला जो है 35 नंबर से कीजिए, क्योंकि बाहर वाला में लोड रहता है, ये रनिंग कॉयल है। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ जो फिल्म पेपर लगाते हो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं फिल्म पेपर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो फिल्म पेपर लगा हुआ, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा भी रखना नहीं है। देखिए मैं टेस्टर से आपको दिखाता हूँ कितना रखा हूँ मैंने। देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए मैं टेस्टर से दिखा रहा हूँ आपको, ये साइड भी और ये साइड भी मैं कितना रखा हूँ देखिए। तो इतना ही बड़ा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपको। और टन्स जब आप देते हो तो आपको टन्स के ऊपर टन्स नहीं चढ़ाना है, आपको एक साइड से रिवाइंडिंग करना है दोस्तों। ठीक है, एक साइड से देख सकते हो, आपको एक साइड से आपको रिवाइंडिंग करते 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 बाहर की तरफ आना है, और फिर अंदर की तरफ रिवाइंडिंग करते करते फिर बाहर की तरफ आना है। इसी तरह आपको टन्स को कंप्लीट करना है दोस्तों। आप इस एक ही जगह में आप अगर रिवाइंडिंग करोगे तो इसमें जो मैग्नेट है दोस्तों, मैग्नेट अच्छा नहीं बनेगा, और आपका जो पंखा है वो स्पीड में नहीं घूमेगा। अब इसका ओम्स में बता देता हूं दोस्तों कि कितना ओम्स है, आपको चेक करके बता देता हूं। चलिए, बहुत लोग है कि 4 वायर निकालते हैं, लेकिन मैं कंपनी जैसा ही मुझे अच्छा लगता है, मैं 3 वायर निकालता हूं। ठीक है, 3 वायर आपको अगर निकालना नहीं आता है तो आपको आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को मिलाकर एक लीड बनते हैं हम, तो वो कॉमन वायर हो जाते हैं, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का जो है 2 वायर, एक पीला वाला और एक ब्लू वाला, तो ये कंडेंसर में जाके लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप 3 वायर निकाल सकते हो। तो चलिए हम इसका ओम्स बता देते हैं आपको कि कितना ओम्स होना चाहिए तभी स्पीड होगा, क्योंकि ज़्यादा ओम्स हो जाएगा तो आपका जो पंखा का स्पीड है वो कम हो जाएगा दोस्तों, और अगर कम ओम्स हो जाएगा तो पंखा आपका जल जाएगा, फूक जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लास्टिंग। तो चलिए हम फटाफट आपको ओम्स चेक करके बताते हैं दोस्तों। बहुत लोग होते हैं कि सीरीज लैंप से ही पंखा को टेस्ट करते हैं, और वो सोचते हैं कि बस अच्छा है, ओके है, कॉइल चेक कर लिया, लेकिन ये इसमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको अगर इसका कॉइल का सही पता लगाना है कि ये अच्छा है, सही है, स्पीड में घूमेगा या नहीं, तो आपको मल्टीमीटर से ही इसका ओम्स का पता लगाना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, डाइट के मोड पर रखना है, डाइट के रेंज में मैंने रख दिया। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कॉइल को मेजर करके दिखाता हूँ दोस्तों कि इसका ओम्स कितना होना चाहिए। तो देखिए, ये कॉमन वायर है, तो इसमें मैं एक लीड लगा देता हूँ मीटर का, और ये है आपका स्टार्टिंग, तो इसमें एक लीड लगा देता हूँ। तो अब देख सकते हो दोस्तों, 230 ओम्स बता रहा है। ठीक है, अब मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए, ये है रनिंग का, तो रनिंग का आप देख सकते हो दोस्तों 255 दिख रहा है। तो आपको जो है दोस्तों 500 के थोड़ा सा नीचे रखना है, और 450 के ऊपर रखना है ओम्स, तभी जो है आपका फैन का स्पीड सही रहेगा। आपको अब बताता हूँ, क्योंकि दोनों वायर को जोड़ने के बाद ये कितना ओम्स हो रहा है। तो चलिए, ये हम रनिंग और स्टार्टिंग को अब चेक करके आप दिखाता हूँ कि कितना ओम्स आ रहा है।
तो देख सकते हो दोस्तों ये 483 ओम वाला है। मैंने बोला दोस्तों कि 500 के नीचे रखना है और 450 के ऊपर रखना है, क्योंकि 450 के नीचे आएगा तो आपका पंखा जल जाएगा और 500 के ऊपर जाएगा तो आपका पंखा का स्पीड कम हो जाएगा। तो जो कंपनी से जो डेटा ओरिजिनल डेटा मैंने बताया दोस्तों आपको, आप ये डेटा यूज करके देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करके बोलना कि मैंने सही बताया या गलत बताया। और हमेशा दोस्तों याद रखना, यूट्यूब को बातों में जाके यहाँ पर जो स्टार्टिंग है इसमें कम टर्न्स मत देना, इसमें आप गिन लेना, आपको ओरिजिनल पंखा को काट के आप एक स्लॉट को गिन लेना, फिर मुझे बताना कि मैं गलत बोला या सही बोला, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच।